Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. Hope you all are doing well and great. Yes guys, this is lecture number 11 of Science Fact File Book 2. Today we will discuss about the content from page number 76 to 79. So let's have a look on it. In our previous lecture, we have discussed about simple chemical reactions. We discussed about reactant and product. We also discussed about decomposition process, about thermal and exothermic endothermic reactions. Today we will discuss about the content, and that is mean about decomposition. Yes guys, displacement. During a displacement reaction, one substance pushes out another substance to take its place. अब displacement reaction में क्या होता है, displace करना, ठीक है? इसमें क्या होता है कि एक reaction से एक substance होता है वो दूसरे substance की जगह ले लेता है. इस process में ये होता है. जिस तरह हमने जो है last class में हमने पढ़ा था about decomposition पढ़ा था, ठीक है? तो ये displacement में क्या होगा, simply एक substance दूसरे substance की जो है वो जगह ले लेगा. Did you know in the manufacture of limestone is heated to temperatures over 1000 degrees centigrade in special ovens for lime kilns. जो है इसको underline भी कर सकते हो कि lime की manufacturing में क्या होता है, limestone को इस कदर heat किया जाता है in a special ovens, और ovens का नाम क्या होता है, lime kilns. Okay जी. If an iron nail is put into a jar containing copper sulfate solution, some iron dissolves and displaces the copper in the solution. The copper is deposited on the nail. अब क्या होगा, अगर आपने iron nail को डाला है copper sulfate solution के अंदर, तो क्या होगा, कुछ copper जो है वो displace out हो जाएगा और कुछ copper जो है वो water के अंदर mix up हो जाएगा, ठीक है? Copper की coating जो है उसके ऊपर लग जाएगी. अब iron plus copper sulfate क्या बनता है, copper plus iron sulfate. कॉपर जो है वो सेपरेट हो गया और आयरन जो है वो किसके साथ मिक्सअप हो गया, कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है? इस पे न्यू सब्सटेंस जो बना है, एक ने दूसरे की जगह ले ली है. एक के ऊपर दूसरी चीज़ का कलर अगर चढ़ जाए तो ये सारा डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन होगा. जिस तरह हम समटाइम्स होते हैं कपड़े धोते हैं और एक कपड़े का रंग दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है? डिड यू नो when one chemical causes a sequence of reactions to occur, it is called chain reaction. अब अगर बार बार reactions होते जा रहे हैं किसी भी क्या process के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, chain reactions हैं, ठीक है? Now moving on to the page number 77. On the page number 77, I have the topic combustion. कम्बशन कहते हैं जी बेसिकली जलने के प्रोसेस को. कम्बशन और बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन इन द एयर. अब हवा में जो चीज़ें बर्नआउट हो रही हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रही हैं, कम्बशन के थ्रू हो रही हैं. द फ्यूल बिकम ऑक्सीडाइज फ्रॉम एन ऑक्साइड. द रिएक्शन रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. अगर आप कोई चीज़ जलाते हो और ऑक्सीजन की वजह से वो चीज़ जलती है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाती है वो चीज़. जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाए उसका मतलब है कि वो चीज़ क्या हो गई है, ऑक्सीडाइज हो गई है और उसने ऑक्साइड बना लिया. इस तरह अगर हम कोई चीज़ जलाएं और उसको हवा देना स्टार्ट करो, इसमें ऑक्सीजन उसको मिल रही है, ठीक है? वो ऑक्सीजन जब मिलेगी वहाँ पर आग तेज़ी से जो है वो ब्लो आउट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? फ्यूल सच एज वुड, कॉइल, ऑयल एंड मीथेन, नेचुरल गैस बर्न वेल. अब ये सारी चीज़ें ये ऑक्सीजन के अंदर बड़ी अच्छे से जलती हैं. ऑक्सीजन अगर इनको प्रोवाइड किया जाए ना, अगर वुड को लकड़ी जला रहे हो और उसको हवा दे रहे हो आप साथ साथ, तो लकड़ी और जलेगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कम्बशन से बहुत अच्छी तरह अफेक्ट होती हैं. लार्ज क्वान्टिटी ऑफ दीज फ्यूल्स आर बर्न टू प्रोवाइड द एनर्जी टू ड्राइव मोटर व्हीकल्स, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द पावर स्टेशन. अब लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फ्यूल जो है उसको बर्न अप किया जाता है ताकि क्या हो सके, मोटर कार्स ड्राइव हों, शिप्स चल सकें, ठीक है? जिस तरह पेट्रोल बन रहा है तो फ्यूल के बर्निंग से पेट्रोल बनता है ना, तो बहुत ज़्यादा फ्यूल जो है वो बर्न अप किया जाएगा, उसमें कम्बशन का प्रोसेस होता है, ठीक है जी? दे आर यूज इन आवर होम्स फॉर हीटिंग एंड कूलिंग. और वो कुछ फ्यूल्स हमारे घरों में हीटिंग एंड कूलिंग के लिए भी यूज़ होते हैं. जिस तरह मिथेन गैस है, जो हम लोग आम सुई गैस यूज़ करते हैं उसको मिथेन गैस बोलते हैं. दीज फ्यूल्स बर्न वेल बिकॉज दे कंटेन द एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन. ये फ्यूल जो बड़े अच्छे से बर्न अप होते हैं क्योंकि उस पर कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है?
दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब ऐसे फ्यूल जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो उसको हमने क्या बोलना है, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। ड्यूरिंग बर्निंग दीज एलिमेंट्स कम्बाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जो है ये बर्निंग के प्रोसेस में क्या होगा, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं कम्बाइन हो जाते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कम्बाइन हो जाते हैं विद ऑक्सीजन और मिलके क्या बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दूसरा फ्यूल ऑक्सीजन, फ्यूल और ऑक्सीजन मिक्सअप हुआ तो उसने क्या बना दिया जी, उसके लिए प्रोडक्ट्स क्या बने हैं, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एनर्जी। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन बर्न्स। अब मीथेन जो हमारे घरों में गैस यूज होती है अगर वो बर्न हो तो क्या हैपन होता है। दिस डायग्राम शोज द प्रोडक्ट्स ऑफ बर्निंग मीथेन बीइंग पुल्ड फर्स्टली थ्रू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड देन थ्रू द लाइम वाटर। अब एनहाइड्रस मीन्स कि जिसमें वाटर जो है उसकी अमाउंट नहीं होगी, उसमें हमने कॉपर सल्फेट को जो है वो बर्न अप करना है, ठीक है, और चेक करना है कि मीथेन उसको जलाती है या नहीं जलाती है। देन एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट चेंजिंग फ्रॉम वाइट टू ब्लू बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट। अब इसमें क्या है, एनहाइड्रस मीन्स कि इसमें वाटर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। एनहाइड्रस पहले जो मैंने आपको बताया है कि हमने चेक करना है कि वाटर की वजह से वो बर्न अप, वाटर अगर नहीं होगा तो बर्न अप जो है वो ऑटोमेटिकली से बात है, जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे आग नहीं लगेगी, ठीक है। एनहाइड्रस तो अगर यहाँ पे पानी है तो आग कैसे लगेगी वो हमने पढ़ना है। उसमें क्या करेंगे हम, गैस को जो है वैक्यूम पंप से सारी उसकी गैस निकाल लेंगे और वहाँ पे फिर जो है वो कलर उसका चेंज अप होना शुरू हो जाएगा। मीथेन प्लस ऑक्सीजन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अब मीथेन और ऑक्सीजन को अगर मिक्सअप किया जाए तो वाटर वहाँ पर यूज़ होगा। अब ये मीथेन कौन सी गैस है, सुई गैस है, ठीक है। सुई गैस में अगर हम ऑक्सीजन को मिक्सअप कर दें तो क्या बनेगा हमारे पास, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है जी। वी नीड एनर्जी टू, द ह्यूमन बॉडी नीड्स फ्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी। द फूड वी ईट प्रोवाइड्स अस विद फ्यूल मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब हम एनर्जी यूज करते हैं एज अ फ्यूल, जिस तरह अगर ऑयल यूज कर रहे हैं वो फ्यूल है, तो उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट प्रेजेंट होगी। कार्बोहाइड्रेट्स सच एज ग्लूकोज कंटेन द एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। दे आर बर्नड अप स्लोली विदाउट एनी फ्लेम्स इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। दिस फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब देखो अगर हमने इस तरह की चीज़ें यूज़ की हुई हैं तो समटाइम ऐसा होता है हमें अपने अंदर गर्मी लगना शुरू हो जाती है, तो इट्स मीन कि चीज़ें क्या होंगी, ईजिली बर्न आउट हो जाएंगी विदाउट द फ्लेम। हमें अब गर्मी को बेसिकली उन्होंने बर्न आउट का यहाँ पर नेम दिया है कि कुछ अगर हम इस तरह की अमाउंट खा लें जिसमें फ्यूल जो है बहुत ज़्यादा है, अगर हमने फ़िश खाई है फिश में फ्यूल ज़्यादा है, फिश में जो है ऑयल से वो अगर बनी हुई है, ठीक है, इट्स मीन उसमें फ्यूल है तो हमें गर्मी लगेगी, ठीक है। अगर हमें गर्मी लग रही है इट्स मीन हम कौन सा प्रोसेस करें, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करें, जिसमें जो है आग जलाने की ज़रूरत नहीं होती, ये इनसाइड द बॉडी सेल्स ये प्रोसेस होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 78 एज वेल। यस गाइस, आई हैव पेज नंबर 78 एंड द टॉपिक इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ कैंडल बर्न। अब हमने पढ़ना है कि कैंडल जब बर्न होती है तो क्या प्रोसेस होता है। कैंडल आर मेड फ्रॉम अ हाइड्रोकार्बन कॉल्ड पैराफिन वैक्स। अब कैंडल जो है वो एक वैक्स से बनी होती है, मोम से बनी होती है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन वाले जो है वो वैक्स से बनी होती है और इसका नेम क्या होता है, पैराफिन वैक्स। व्हेन द वैक्स मेल्ट्स इट राइजेस अप द विक एंड बर्न्स। अब जब वैक्स जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो क्या होगा, कैंडल वहाँ पर बर्न अप स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दिस डायग्राम शोज अ लाइटेड कैंडल स्टैंडिंग इन अ बीकर ऑफ वाटर। अब लाइटेड कैंडल है, एक जो है हमारी कैंडल जो है वो लाइट अप हो रही हुई है, ठीक है। उसमें आप देखो बीकर उन्होंने थोड़ा सा कैंडल के सरफेस से ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। व्हेन अ टेस्ट ट्यूब इज पुट ओवर द कैंडल। अब टेस्ट ट्यूब को अगर कैंडल के ऊपर रखूंगे इट्स मीन वहाँ पे एयर की सप्लाई जा रही है, हमने एयर टाइट नहीं उसको किया, हवा वहाँ से रोकी नहीं है, तो हवा जहाँ पे होगी वहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्लेम जो है वो बर्न होगा, ठीक है जी। द कैंडल फ्लेम गोज आउट एंड द वाटर लेवल राइजेज इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। अब कैंडल को है जो अगर आप नीचे करोगे, ठीक है, आप टेस्ट ट्यूब है उसको थोड़ा सा पानी के अंदर कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैंडल राइजिंग होगी जब तक उसमें ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। अब वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन होती है तो कुछ वाटर की वजह से ये कैंडल अभी तक जा रही है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, द कैंडल गोज आउट द वाटर इज। अब कैंडल जो है वो बंद हो जाएगी, चलना बंद हो जाएगी जब उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह आप कैंडल जो है वो बर्न हो रही है उससे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे कैंडल जो है वो बर्न अप हो जाएगी, ठीक है।
This suggests that candle needs one of the glasses in the air to burn. It goes out when the gas is used up. ठीक है, वही बात, अगर हमने गैस को यूज़ कर लिया, कार्बन सॉरी ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया है, सारी की सारी ऑक्सीजन वहाँ से ख़त्म कर दिया, तो कैंडल जो है वहाँ पे क्या होगी, बर्न अप जो है वो क्लोज अप हो जाएगी. ठीक है, द कैंडल यूजेस अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू फॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. द वर्ड इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन इफ कैंडल वैक्स है और ऑक्सीजन है, तो वो क्या बना रहे हैं हमारे पास, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस एक्सपेरिमेंट शोज that about 1/5 of the air is used up when something burn. इसका क्या मतलब है, अगर हम कोई चीज़ को जला रहे हैं तो उसमें 1/5 of the air जो है वो उसमें यूज़ हो जाती है, ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है. अगर कोई चीज़ जल रही है तो वहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, ऑक्सीजन उसको और तेज़ी से जलाएगी. तो ऑक्सीजन इसका मतलब यूज़ हो रही है, हवा में ऑक्सीजन नहीं रहेगी, जलने के प्रोसेस से ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो जाएगी. बर्निंग सेफली, अब सेफली किस तरह बर्न कर सकते हैं, अ फायर नीड्स फ्यूल टू बर्न. अब फायर, ठीक है, अगर हम जो है फायर कहीं पे आग लगानी है तो उसमें फ्यूल की ज़रूरत होगी. ऑक्सीजन फॉर फ्यूल टू रिएक्ट विद एंड हीट टू कीप द केमिकल रिएक्शन गोइंग. अब ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होगी और हीट की भी ज़रूरत होगी कि सारा प्रोसेस वहाँ पे हो. अगर हवा चल रही है तो आप आग नहीं लगा सकते, इसलिए हीट की ज़रूरत है. ठीक है, टू पुट आउट अ फायर, अब आग चलाने के लिए एटलीस्ट वन ऑफ दीज मस्ट बी रिमूव्ड. द बेस्ट मेथड विल डिपेंड ऑन व्हाट इज बर्निंग एंड वेयर. अगर आपने आग नहीं जलानी, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, एक चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, या तो एयर को ख़त्म करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपने आग का ऑक्सीजन को वहाँ से, एयर यहाँ पे ऑक्सीजन का नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन को वहाँ से या तो निकाल दो या फिर क्या होगा, हीट को निकाल दो, तो वहाँ पे फ्यूल की वजह से जो है ये प्रोसेस ऑफ बर्निंग नहीं होगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, रिमूविंग द हीट by cooling the fire when with water not safe for some fires, electric fires. अब जो है पानी की वजह से जो है फायर को ठंडा किया जाए, अगर सेफली आपने आग को बुझाना है, ठीक है, लेकिन कुछ फायर्स ऐसी होती हैं जिस तरह इलेक्ट्रिक फायर्स होती हैं, वो पानी की वजह से जो है वो नहीं बुझेंगे. अब इलेक्ट्रिक है, आग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई है, तो अगर आप पानी डाल दोगे तो वो और ज़्यादा आग जो है वहाँ पर जलेगी. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पानी को अट्रैक्ट करता है. रिमूविंग द फ्यूल, कटिंग ऑफ गैस सप्लाई, अगर आप जो है आग लग गई है तो आप गैस सप्लाई को फौरन से बंद कर सकते हो, ये तरीका है. रिमूविंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बाई यूजिंग अ फायर ब्लैंकेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अगर आपको फायर लगी है तो आपने देखा होगा, अगर किसी बॉडी को फायर लगे जल्दी से उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया जाता है. ठीक है, अगर मिस हैपनिंग खुदा ना खास्ता होगी तो उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया जाता है. ये प्रोसेस होता है कि जी है क्या करें उसके फायर को बंद करने के लिए, ठीक है, फायर को रिमूव आउट करने के लिए. Some early experiment on the air. अब ये जो साइंटिस्ट के अगले एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, वो पढ़ लेते हैं जी. अर्ली एक्सपेरिमेंट थ्रू एयर वॉज एन एलिमेंट, अ सिंगल सब्सटेंस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग एल्स. अब पहले क्या होता था जो है, ऐसे एक्सपेरिमेंट एयर के साथ करते थे कि कोई भी चीज़ टूटे ना और सारा का सारा प्रोसेस हो जाए. ठीक है, In 1774, Joseph Priestley, an English amateur scientist, discovered oxygen, although he didn't know it at that time. इसने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था कि ऑक्सीजन समथिंग, ऑक्सीजन इज समथिंग, तो लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि इसने क्या कर लिया. फॉर अ लॉन्ग टाइम Priestley thought he had simply found a new kind of air in which things burn more brightly. अब इसने जो है जब ऑक्सीजन को जो है इसका ऑक्सीजन का पता चला था, तो इसने सोचना शुरू कर दिया था कि इसने कोई ऐसा एलिमेंट जो है वो निकाल लिया है जिसकी वजह से जो है वो आग जो है या चीज़ें जो है वो ब्राइटली बर्न होती हैं. Priestley discussed his work with French scientist Antoine Lavoisier. Lavoisier used the operator shown in the diagram. इसने अपने Lavoisier के साथ उसने ये सारी चीज़ें डिस्कस की और उसने फिर इस ऑपरेटर्स के थ्रू जो है वो कुछ किया था, वो पढ़ने जा रहे हैं. ही हीटेड मर्करी. अब लवाइजर ने क्या किया, मरकरी को हीट अप किया. ठीक है, व्हेन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इन द बेल जार टू फॉर्म मरकरी ऑक्साइड, एट द सेम टाइम 1/5 ऑफ द एयर इन द जार वाज यूज्ड अप. अब इन्होंने एक जार में क्या कलेक्ट की हुई है, ऑक्सीजन कलेक्ट की और वहाँ पे मरकरी बर्न करना स्टार्ट कर दिया. अब उसी टाइम पे जो है वो हाफ ऑफ द जो है हमारे पास एयर टाइट एयर वाला जो जार था वो हाफ एयर तो यूज़ हो गई, हाफ ऑक्सीजन तो 1/5 ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यूज़ हो गई. तो फिर लवाइजर ने एक्सप्लेन किया हिज रिजल्ट बाय सेइंग दैट एयर वाज अ मिक्सचर ऑफ एन एक्टिव गैस कॉल्ड ऑक्सीजन एंड एन
inactive gas which we know called nitrogen. अब जो active gas है air के अंदर जो है gas जो है oxygen वो है वो active है और nitrogen जो है वो inactive gas है. ये उसने जो है Lavoisier ने after Priestley उसके बाद सुनने के बाद ये जो है नतीजा निकाला था, ये result निकाला था. Did you know? Neither Priestley nor Lavoisier received much respect for their scientist discoveries. अब जो है scientific discoveries है इनको बहुत ज़्यादा जो है वो respect नहीं मिली थी कि उन्होंने सब लोगों ने ये सोचा कि जी oxygen भी हवा में है, nitrogen भी हवा में, इन्होंने क्या जो है वो तीर मार लिया. ठीक है. Priestley was forced to leave England because of his political views. Lavoisier was Lavoisier was executed during the French Revolution because he was an aristocrat. अब जो है Priestley को जो है England छोड़ना पड़ा. England जो है से उसके political views से जो है एक चीज़ depend की कि उसके बारे में तजिया भी किए होंगे कि नहीं जी ऑक्सीजन ऐसे है तो ऐसे है, तो इसलिए उसको England से निकालना पड़ा. ठीक है. उसके बाद जो Lavoisier है उसके साथ जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई उसके बाद जो है उसको भी वहाँ से थोड़ी सी मुश्किल पेश आना शुरू हो गई बिकॉज ही वॉज एन एरिस्टोक्रेट. अब एरिस्टोक्रेट कहते हैं जी ओल्ड पीपल को. ठीक है. तो ये दोनों की बातें जो है Priestley की, एक तो Priestley जो है उसको जो है क्या हुआ था कि पॉलिटिकल व्यूज उसने देना शुरू कर दिया, उसने सियासी नजरिए देने शुरू कर दिए कि नहीं जी आप मेरी बात नहीं मान रहे और ऐसी चीज़ें. और जो है Lavoisier की बात इसलिए नहीं मानेगी कि उसको लोगों ने समझना शुरू कर दिया था ये क्या है, एरिस्टोक्रेट है, ये बुजुर्ग है, इसलिए इसको जो है इसने अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ें बता दी है. ठीक है जी. आई होप गाइस आपको आज का लेसन जो है वो समझ आया होगा. ठीक है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक on the like button as well. कोई भी question है regarding to the topic आप जो है comment box में मुझे लिख सकते हो, then I will definitely answer you. Till then take good care of yourselves. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने parents का ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए. Stay happy, stay blessed. Allah Hafiz.